जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा है, वही हिंदू रक्षा दल नाम की संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें न सिर्फ वो हिंसा की जिम्मेदारी ले रहा है बल्कि ये भी कह रहा है कि आगे भी ऐसे हमले करेंगे। गाजियाबाद का रहने वाला पिंकी चौधरी वीडियो में कह रहा है कि जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियां बढ़ गई थी, इसीलिए हमला किया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इससे पहले भी पिंकी चौधरी केजरीवाल के दफ्तर पर हमला करने के आरोप में जेल जा चुका है। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता भाई जो हिंदुत्वादी गतिविधियां जो भी करेगा वो हमारा कार्यकर्ता, मैं पूरी पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारे कार्यकर्ता थे।